नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब सोमवार के लिए, सोमवार मतलब 12th of April 2021 के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा और बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाऊँगा और कुछ स्टॉक्स का पोजिशनल लेवल्स दिखाऊँगा। तो और बाइंग से एक्सेल शीट से निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी और ऑप्शन का बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाऊंगा और निफ्टी का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने का कोशिश करूंगा। इसमें चार्ट एनालिसिस करूंगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूंगा और भी बहुत सारा डाटा एनालिसिस करूंगा और डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट करने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और मैंने स्टॉक मार्केट न्यूज़ भी अपडेट करता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटेजी है, सेटअप्स है, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखें, इसमें आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। और मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी अटेंड कर सकता है, इसमें आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा। और एंजल बुकिंग, आस्था ट्रेड, एलिस ब्लू, आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और मेरी तरफ से भी आप लोग को, आप लोग कॉल सर्विस लेंगे या ट्रेनिंग लेंगे तो मेरी तरफ से भी आप लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा। तो देखिए, फर्स्टली मैंने जो कैंडल स्टिक के बारे में बताऊँगा, जो लास्ट दिन जो कैंडल स्टिक बना था, तो इधर से देखिए एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडलस्टिक बना है, ठीक है। इसका बॉडी छोटा है और ऊपर और नीचे दोनों दोनों साइड में वीक है, ठीक है। और पहले अगला दिन जो प्राइस एक्शन बना था, ये एक शूटिंग स्टार डोजी टाइप का कैंडल बना था। मैंने बोला था कि इधर से एक शूटिंग स्टार एक इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे रहेगा, ठीक है। तो इधर से एक कैंडल स्टिक ये जो बना है, ठीक है। और इधर से आप लोग देख सकते हैं पहले कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न कैसे बना है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर से देखिए ये जो चैनल देख रहा है आप लोग, ये रेड वाला लाइन, ये बीच में ब्लू वाला लाइन, और सॉरी ये ग्रीन वाला लाइन, ये बीच में रेड ब्लू वाला लाइन और ऊपर रेड वाला लाइन। इसमें देखिए ये मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म में ये हाई साइड में दिखा रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में आप लोग देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में ये जो चैनल बना है, ठीक है। ये जो इस इधर से ये जो रेड लाइन, इधर से बीच में एक डॉटेड लाइन है वो आप लोग को शायद दिखाई नहीं देगा, और इधर से ये ग्रीन वाला लाइन, इधर से देखिए नीचे नीचे का दिख रहा है, ठीक है। तो और इधर से देखिए ये पर्पल कलर का जो लाइन है और ये रेड वाला लाइन है, ये 20 का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दो निफ्टी मार्च महीना के फॉल होने के बाद, 2020 मार्च का फॉल होने के बाद आप लोग देख सकता है कभी कहीं किसी भी टाइम ये 50 के नीचे मतलब सस्टेन नहीं किया है, ठीक है। ये 200 का लाइन है, ठीक है, ये 200 का लाइन है। तो मतलब जो लिस्ट रेजिस्टेंस पाथ होता है तो इसका नीचे कभी भी इसका नहीं गया है, इसका ये एरिया ऑफ वैल्यू के आसपास रहता है सभी में। जब भी ये एरिया ऑफ वैल्यू के ऊपर गया है वो एरिया ऑफ वैल्यू में आके सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो ये और इधर से फिर से ये 20 का ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल भी 20 का ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में इसका अपसाइड का मूवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर से भी आप लोग को पिक्चर क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इधर से देखिए ये जो मीडियम टर्म का लाइन है ये अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इधर से ये एक मतलब बियरिश ट्रेंड है, ठीक है। तो इसी को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद मैंने चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस और डायरेक्शन मोमेंटम क्या हो सकता है वो बताऊँगा, ठीक है। तो एनालिसिस करता हूँ एक मिनट चार्ट को थोड़ा सा, और इसके बाद मैं इसके साथ ही मैंने इसका इंट्राडे सेटअप भी बताऊँगा। तो वीडियो आप लोग अंत जरूर देखिए, वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इधर से देखिए पहले RSI को देख लेते हैं। RSI का जो वैल्यू है, तो इधर से RSI का जो वैल्यू दिख रहा है वो 50 के आसपास है, 50 के थोड़ा सा ऊपर है, और RSI में मैंने तो मूविंग एवरेज भी लगा है।
तो इधर से ये जो ब्लू ये जो येलो वाला लाइन है और ये स्लो मूविंग एवरेज है और फास्ट मूविंग एवरेज है, मतलब RSI का मूविंग एवरेज नीचे है, ठीक है। और RSI ये स्लो मूविंग एवरेज का नीचे आया था, लेकिन थोड़ा सा 2 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा ये तीन चार लास्ट 3-4 दिन ये थोड़ा सा स्लो मूविंग एवरेज के ऊपर गया, लेकिन स्लो मूविंग एवरेज और ऊपर है और फास्ट मूविंग एवरेज नीचे है, इसका मतलब इसका मोमेंटम नीचे है, ठीक है। अच्छा, और स्टोकास्टिक थोड़ा सा अपसाइड में गया है, ये स्टोकास्टिक का लाइन है, ये थोड़ा सा अपसाइड में गया है। MACD नीचे है, ठीक है, MACD का लाइन नीचे दिख रहा है, सॉरी MACD भी थोड़ा सा अपसाइड में गया है, ये मतलब MACD का हिस्टोग्राम है और थोड़ा सा अपसाइड में चला गया है। एक मिनट, इसको फिर से नीचे लाता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ला कर आता हूँ। हाँ, और इसका जो ADX का लाइन है, देखते हैं ADX का लाइन, ये जो येलो वाला लाइन है -DI, ये +DI का ऊपर है, ठीक है। और ये जो ADX का स्ट्रेंथ है ये 20-22 का आसपास है, ठीक है। तो ये गया है, तो मतलब ये जो ओसिलेटर्स है इसका और चार्ट का जो पैटर्न है ये बियरिश स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा, ठीक है। इसका ऊपर का जो सप्लाई जोन है तो ये है, देखिए इधर से 14,980 से लेके 15,163 तक एक सप्लाई जोन है, ठीक है। इसका ऊपर का जो जोन है आप लोग जानते हैं कि ये 312 से 14,312 से सॉरी 15,312 से 15,431 तक, ठीक है। अच्छा, अभी सप्लाई डिमांड जो है सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये आप लोग ध्यान से नोट कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो इधर से मैंने सप्लाई डिमांड जोन बता रहा हूँ, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, मतलब पिवोट पॉइंट दिख रहा है, वो 14,894 पे है, ठीक है। 14,894 पे है, 14,849 में भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। 14,849 में एक रेजिस्टेंस है, इसका ऊपर 14,894। आप लोग को इंटरडे में कहाँ पर ट्रेड लेना है वो भी आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए। 14,924 इसके ऊपर, 14,924 इसका ऊपर, 14,967, ठीक है। इसके ऊपर 15,012, 15,057, 15,093, 15,030, 15,100, 15,030, ठीक है। उसके बाद 15,132, 15,167, 15,203, 15,203 इसका ऊपर का जो लेवल दिख रहा है, 15,203, 15,336, ठीक है, 15,391, 15,391 इधर से 15,537, ये सब अपसाइड का लेवल्स है। और डाउन साइड में जो लेवल्स है, 14,804 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 15,804, ठीक है। आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन वगैरह देख रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए कि आप लोग को मतलब डायरेक्शन कहाँ पर है, मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पर है। 15,804, 15,767, ठीक है, 15,731, 15,686, 15,651, 15,651, 15,686, 15,600 सॉरी 15,651, 14,731, 14,686, 14,653, 14,641, 14,596, 14,551, 14,528, 14,528 का नीचे 14,468, 14,468, 14,390, 14,264, 14,162, ठीक है, 14,162, 13,935, ये सब नीचे का लेवल्स हो सकता है। 13,797 बहुत सारा लेवल्स होगा, ठीक है, जितना नीचे जाएगा तो उतना लेवल दिखाएगा। 13,601, 13,558, ठीक है, ज़्यादा बोलने के कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसका इंटरडे सेटअप कैसे रहेगा, मतलब इंटरडे में आप लोग बाई लेवल बाई का एंट्री कहाँ पर ले सकता है और सेल का एंट्री कहाँ पर ले सकता है, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इधर से देखता है,
इधर से देखिए आप लोग चैनल तो मीडिया इधर शॉर्ट टर्म में आप लोग देखते हैं 5 मिनट का चार्ट में नीचे का डायरेक्शन दिख रहा है और फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म ये ऊपर का ट्रेंड मतलब लास्ट कुछ घंटे का 2-3 घंटे का प्राइस एक्शन अप साइड में हुआ है। ठीक है, ये क्लियरली आप लोगों को जो मेन जो ट्रेंड है पूरा जो प्राइस एक्शन है तो ये नीचे का डायरेक्शन में है, लेकिन जो लास्ट फ्यू आवर्स में सोच लीजिए 1:45 से, ठीक है, 1:45 से लेकर 3:30 बजे तक थोड़ा सा प्राइस एक्शन अप साइड में हुआ था, तो ये आप लोग को क्लियरली दिखेगा। ठीक है, आप लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को सामने क्लियर पिक्चर लाने का कोशिश करूँगा। अच्छा, इसका जो सप्लाई जो जो डिमांड जोन है 14823 से 14820 से पकड़िए, 14820 से 14804 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन डिमांड जोन सॉरी हाँ डिमांड जोन है। इसका नीचे का जो जोन रहेगा वो है, वो तो आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा। इधर का इसका नीचे का जो जोन दिखेगा 14753 से 14737 तक, ठीक है, ये नीचे का उसका नीचे का जोन है। ठीक है, और उसका नीचे का जो जोन रहेगा और मैं नहीं दिखाता हूँ, ठीक है, वो क्योंकि चार्ट को बहुत ही छोटा करना पड़ेगा और इधर से टाइम भी हो जाएगा। आप लोगों को इंटरडे ट्रेड सेटअप बता देता हूँ, ठीक है, इंटरडे ट्रेड सेटअप कैसे रहेगा आप लोगों को बता देता हूँ। तो इधर से देखते हैं कहाँ पर आप लोग बाई ट्रेड ले सकता है, बाई पोजीशन ओपन कर सकता है और कहाँ पर सेल का पोजीशन ओपन कर सकता है। ठीक है, तो वही बताता हूँ। तो इधर से देखिए ये जो रेजिस्टेंस लाइन है अप साइड से, ये जो लाइन आया है इधर से जो एंगल आया है, ठीक है, इसका और इसका जो क्रॉस ओवर ऊपर से गया है, तो इसका जो ये बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 14865 के ऊपर आप लोग एक बाई ट्रेड ओपन कर सकता है। इसके बाद 14873, 14886, ठीक है, 14886, 14886 के ऊपर ये जो लेवल है 14905, ठीक है, 14905 से 14908, 14908 का लेवल बहुत ही वाइटल है, क्योंकि ये 14 फिबोनाची का 61.8% है। इसके बाद 14920, 14930, 14946, 14974, 15002, 15002, 15002 के ऊपर और भी बहुत सारे लेवल्स आए, 15030, ठीक है। अब लोग देखिए ये सब लेवल के ऊपर ओपन मार्केट गैप अप ओपन होगा तो अब लोग इसको देख सकता है। ठीक है, गैप अप ओपन का पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, इधर से ये ऑलमोस्ट सेम पोजीशन में ओपन है, तो वो बाद में डिस्कस करता हूँ। 15085 फ्लैट ओपन होने का ही प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, मतलब जिधर ही ओपन हुआ था बंद हुआ था उधर ही आसपास ओपन होगा। पुनः इधर से मतलब SGX निफ्टी का 100 पॉइंट डिफरेंस में चल रहा है, 15117 नेक्स्ट लेवल हो सकता है और भी अपसाइड में बहुत सारे लेवल्स हो सकता है, तो 15155, ठीक है, ये सब अपसाइड में देख सकता है। और एक चीज़ मेन जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो है आप लोग बाई का ट्रेंड जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब मार्केट ओपन होगा तब सेल का मार्केट ऊपर जाएगा, तो उधर से सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए तो आप लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में बियरिश है। ठीक है, थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है, लेकिन फिर से ये जो चैनल का अपर साइड देख रहा है इसको एरिया वैल्यू कहते हैं, वो जब भी ये ऊपर जाएगा इसका नीचे आ जाएगा, मतलब इसका जब भी ये इसका डिफरेंस आ जाएगा तो इसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से ये देखिए इधर से ऊपर गया था, ये फिर से नीचे आया, इधर से बार बार ये मिडिल लाइन को टच किया और फिर से नीचे आ गया, बार बार मिडिल लाइन को इधर से थोड़ा सा ऊपर गया, ये फिर से नीचे आने का प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो इधर से अच्छा सेल का एंट्री लेने के लिए इसका जो है 14804 का नीचे सेल का एंट्री मिलेगा। ठीक है, 14800 इसका नीचे 14796 वो सबसे ज़्यादा लेवल है, बेटर होगा कि 14796 का नीचे सेल का एंट्री लीजिए। उसके बाद 14785, 14778, 14778 का नीचे 14750, 14736, 14721, 14693,
14693, 14665, 14655 ये सब नीचे का लेवल्स हो सकता है। और भी बहुत सारे लेवल्स है, तो ऑलरेडी हम लोग को माता दिया है इंटर सॉरी डेली चार्ट में 14637, 14616, 14616, 14575, 14525, 14525, 14471, 14447, 14436, 14406, 14406, 14406 का नीचे 14375, 14254, 14264, 14264, 14189, इसके बाद ये सब नीचे का लेवल्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ। बैंक निफ्टी का देखिए, पहले डेली चार्ट तो एनालिसिस करूँगा, इसके बाद इंटरडे सेटअप दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाने से काफ़ी होगा, क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न और ये डिस्कस किया है वो मतलब निफ्टी को ही फॉलो कर रहा है। बैंक निफ्टी रेदर थोड़ा सा नेगेटिव है, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में फिलहाल, मतलब लास्ट कुछ 4-5 दिन का जो प्राइस एक्शन है, या लास्ट एक हफ्ता या 2 हफ्ता का जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिविटी दिखा रहा है। इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट में ये क्या दिखा रहा है तो पिक्चर और भी क्लियर होगा। ये देखिए, इधर से ये वीकली चार्ट में भी, ये देखिए वीकली चार्ट में भी ये कॉन्टिन्यूस नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट का, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखिए, ये लास्ट कुछ ही हफ्ते में 5-7 हफ्ते में ये कॉन्टिन्यूसली नीचे डायरेक्शन दिख रहा है। निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी का देखिए, इतना बियरिश तो है, लेकिन इतना मतलब वी शेप्ड स्लोप नहीं है इसका। इसका थोड़ा सा डायरेक्शन है इसका, लेकिन इसका मतलब ये जो इसका एंगल इसका कुछ कम है, ठीक है। 30 डिग्री एंगल हो सकता है, लेकिन इस सर बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल में इसका वीकली चार्ट में नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, और ये क्या बोलता है, निफ्टी भी नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, तो इधर से डेली चार्ट को मैंने एनालिसिस करता हूँ। डेली चार्ट में एनालिसिस करता हूँ, डेली चार्ट, एक मिनट, थोड़ा सा नेट में दिक्कत। डेली चार्ट को दिखाता है, नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए देर हो रहा है। तो इसको चार्ट को फिर से सेटअप कर लेते हैं। इसमें आप लोग मतलब ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज़ कर हो सकता है, कुछ टांग खींच के थोड़ा सा बड़ा छोटा करना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा से चार्ट का सेटअप बना के ले सकता है, ठीक है। इधर का जो इंडिकेटर्स वगैरह है, स्ट्रैटेजीज वगैरह है, बिल्डअप बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, ये आप लोगों को कहीं भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। मैंने इसमें फ्री प्रीमियम में तीन तो इंडिकेटर के अंदर एटलीस्ट 30 इंडिकेटर्स मैंने कोडिंग करके ले लिया है, ठीक है। यानी वो सब बात के बात है। तो इधर से देखिए, ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मतलब ये अप साइड में चैनल अपर साइड में गया है, लेकिन सॉरी मीडियम टर्म में अप साइड में है, और शॉर्ट टर्म में ये डायरेक्शन नीचे दिख रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन नीचे है, तो इधर से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। ये जो रेड वाला लाइन, ये बीच में ये जो डॉटेड लाइन, और ये जो ग्रीन वाला लाइन, ठीक है। और इधर से जो क्रॉस सेक्शन होगा, ये अपसाइड में जाने का, उस पर बाद ये अपसाइड जा सकता है। और इधर से ये जो ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, इधर से देखिए ये 20 का नीचे भी है, 50 का भी नीचे है, ठीक है। और इधर से ये जो इंडिकेटर है, इसका भी नीचे है। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये ऑनली 200 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इधर से ये ट्रेंड लाइन में एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अच्छा, एनीवे, तो आप लोगों को जो एक्चुअल काम का चीज़ है वही बताता हूँ। पहले तो इसका मोमेंटम इसका देख लेते हैं, काम का चीज़ क्या है,
काम का चीज़ आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा काम का चीज़ है, उसके साथ मोमेंटम कहाँ कौन सा दिशा में है, ठीक है, कौन सा दिशा में मार्केट जाएगा ये नहीं बता सकता, लेकिन मोमेंटम कहाँ पर है वो बता सकता ज़रूर। हो सकता है कोई एक्सपर्ट आप लोगों को बता देगा मार्केट नेक्स्ट दिन नेक्स्ट डे कहाँ पर जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने बोलता हूँ आप लोग को कभी ऐसा नहीं होता है, वर्ल्ड का कोई भी एक्सपर्ट बता नहीं सकेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना दूर जाएगा, नीचे जाएगा तो कितना दूर जाएगा। मोमेंटम कहाँ आप कौन सा दिशा पे है और ऑप्शन चेन डाटा और भी बहुत सारा डाटा एनालिसिस करके FII डाटा एनालिसिस करके कौन सा दिशा में जा सकता है वो आप लोगों को ज़रूर बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा रेंज पे होगा वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए इधर से 8 तारीख का जो मैंने आप लोग को रेंज बताया था 15,062 से 14,683, तो मार्केट 14,918 से हाई बना था, 2,785 लो बना था, मतलब इसी रेंज पे था, ठीक है, इसी रेंज पे था। और बैंक निफ्टी भी 33,200 से 33,363 के अंदर है, और नेक्स्ट दिन जो होगा 15,018 से 14,649 इसी का रेंज पे है, इसी का रेंज पे होगा। और बैंक निफ्टी 32,851 से 32,044 इसी रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक है, होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। मैंने ये नहीं क्यों करता हूँ, इसी का अंदर रहेगा और इसका ब्रेक करेगा तो इसका वीकली में जो है 15,240 से 15,427 इसका हाई लो ब्रेक करेगा तो इस रेंज का, और इसका मान ब्रेक करेगा तो 15,681 से 13,000 वीकली भी ब्रेक हो जाएगा, हो सकता है एक दिन मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, तो मंथली जो है 15,681 से 13,986, ठीक है, इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसका देखते हैं, अभी तक आया नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, मैंने थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, नेट में थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है। तो देखिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, तो इधर से आप लोग देख सकते हैं ये अपसाइड, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अपसाइड में है और शॉर्ट टर्म ये डाउन साइड में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इधर से देखिए मैंने पहले इसका RSI का पोजिशन देख लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें मोमेंटम का पता चलेगा। MACD आप लोग देख सकते हैं इसका हिस्टोग्राम नीचे है, तो ये क्लियरली नीचे का डायरेक्शन में है MACD, ठीक है। हम लोग एनालिसिस करके प्राइस सेक्शन देख के कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक स्पिनिंग टॉप बना है, ये लोअर हाई लोअर लो बना है, ठीक है। तो इधर से मतलब नीचे का डायरेक्शन जाने का प्रायोरिटी मतलब ट्रेंड बियरिश में है, उसका अंदर देखिए ट्रेंड बियरिश है, उसका अंदर थोड़ा सा अप मूवमेंट आ सकता है, तो इसीलिए इंटरडे या शॉर्ट टर्म में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढता है जब भी मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। अच्छा, RSI का जो पोजीशन है ये 40 का नीचे है, मतलब ये बियरिश ट्रेंड में है क्लियरली, और भी बियरिश ट्रेंड में है, ठीक है। और इधर से ADX प्लस DI माइनस DI का ऊपर है, ठीक है, और MACD भी नीचे है, स्टोकास्टिक भी नीचे ही दिख रहा है। अच्छा, और जो चीज़ दिखाना है ADX का स्ट्रेंथ इधर से अप साइड उठ गया है ये इंडिकेटर, एक मिनट फिर से इसको नीचे लाना पड़ेगा। ट्रेडिंग वे में ये सब थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल इसका एनालिसिस आप लोग बहुत अच्छा कर ले सकता है। तो एनीवे मेरा बहुत सारा वीडियोस है, वो ट्रेडिंग व्यू भी कैसे यूज़ किया जा सकता है वो भी उसका ऊपर भी वीडियो है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और देखिए ADX का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, 25 के ऊपर ये 29 चल रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी का मतलब बियरिश ट्रेंड, तो बियरिश ट्रेंड इसका स्ट्रांग है, तो नीचे का डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, रहना चाहिए फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म, ठीक है। अचानक ओवरनाइट इसका कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। ADX RSI एक दिन में कुछ बढ़ नहीं जाता है, हो सकता है कि एक इसका अंदर एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड में दिखा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो ट्रेंड चेंज होने से टाइम लगेगा, ठीक है, 2-4 दिन इसका या 5-7 दिन अपसाइड में चलेगा, तो अभी ADX RSI इसका अपसाइड में जाएगा उसी के बाद ही। अच्छा, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ये इन्वर्टेड हैमर जैसा पैंडल बना है, जो इसका बहुत ही शानदार एक मतलब बियरिश ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है।
अच्छा, इसका ऑफसाइट का अभी काम का चीज़ बोलता हूँ, काम का चीज़ सोच लीजिए कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, 32,400, इसका ऊपर का जो लेवल है 32,550, ठीक है, 32,550, 32,550, 32,751, 32,918, 33,034, 33,131, 33,297, 33,064, 33,464, 33,570, 33,677, 33,784, 33,890, ठीक है, 33,890, ये सब आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से नोट कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा है। लाइव मार्केट में भी ऐसे अच्छा काम करता है, ठीक है। ये सब अपसाइड का लेवल है, और डाउन साइड में इसका जो लेवल्स दिख रहा है, डाउन साइड में इसका जो लेवल दिख रहा है, डाउन साइड में इसका जो लेवल दिख रहा है 32,384, ठीक है, 32,384, नीचे 32,205, 32,038, 32,172, 31,800, 31,706, 31,581, 31,581, ठीक है, ये सब नीचे का लेवल्स देख सकता है। और भी नीचे दिख रहा है, और भी नीचे दिखेगा, थोड़ा सा चार्ट को छोटा करना पड़ेगा इसलिए, नहीं तो मंथली चार्ट या वीकली चार्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका नीचे का जो लेवल है 29,720, 29,720, 29,27,719, ये सब नीचे का लेवल्स होगा, ठीक है, और भी नीचे का लेवल्स होगा। अच्छा, इसका इसके बाद 5 मिनट का चार्ट में इसका दिखाऊंगा, ये क्या लेवल शो कर रहा है, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट में भी दिखाऊंगा इसका क्या लेवल शो कर रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ एनालिसिस करूंगा, तो ये आप लोगों के लिए मतलब एक क्लियर पिक्चर देने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इधर से देखिए, ये फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म ये अपसाइड का ट्रेंड दिखा रहा है, और इधर से लास्ट कुछ आवर्स का थोड़ा सा अपसाइड गया था, लेकिन ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है ये डाउन साइड में है, ठीक है। अच्छा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा इसका सेटअप करने के लिए, मतलब इंटरडे में बाई पोजीशन लेने के लिए 32,529 के ऊपर बाई रहेगा, इसके बाद 32,578, 32,650, ठीक है, 32,650, 32,740, 32,784, 32,860, ठीक है, 32,860, ये सब अपसाइड का लेवल हो सकता है, 32,000। ओफो, ये फिर से नीचे आ गया है, टांग खींच के इसका फिर से आप साइड में लेना पड़ेगा। आठ सौ साठ के ऊपर 32,000, 860, 32,995, 32,000, 33,177, 33,304, 33,471, 33,502, 33,502, 33,637, 33,699, 33,803, 33,803, 33,970, ये सब अपसाइड का लेवल्स है, ठीक है, लेकिन 32,529 के ऊपर अपसाइड में ट्रेड लेना होगा। और निफ्टी की तरह वो भी मैंने बताता हूँ कि निफ्टी की तरह ये भी आप लोग सेलिंग अपसाइड में अवॉइड करने करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। मेरा ख्याल से आप लोगों को अपसाइड का ट्रेंड अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, अपसाइड में जब होगा तो डाउन साइड कब मतलब सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि डाउन साइड में ये कॉन्फर्मेशन कब देखा, डाउन साइड में ट्रेड लेने का, ठीक है, डाउन साइड में ट्रेड लेने का मौका ढूंढना है, ढूंढेंगे तो आप लोग को लिए मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अच्छा, नीचे का जो सपोर्ट है, नीचे आप लोग देख सकते हैं 33,432 का नीचे 32,325, 32,249, 32,204, 32,122, 32,020, 31,865,
31,710, 31,710, 31,710, 31,556, 31,556, 31,401, 401, ये सब नीचे का लेवल्स हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन चेन को अच्छा, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूँ निफ्टी का। इसका पीसीआर रेशियो 0.85 है, ठीक है। और 14,000 15,000 में रेजिस्टेंस बना है, 14,800 में सपोर्ट बना है। दोनों साइड में पुट साइड कॉल साइड दोनों साइड में शॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है। और इधर से देखिए कॉल्स 15,000 में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चल रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और इधर भी है लेकिन पुट साइड में भी है, 14,800 में भी एक्टिविटी चल रहा है, किंतु लेकिन 14,800 एक्टिविटी चल रहा है लेकिन कॉल साइड से कम है, ठीक है। मतलब कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रहा है पुट राइटिंग का हिसाब से। और इधर से 14,900 में भी देखिए इधर से कॉल साइड में एक्टिविटी ज़्यादा चल रहा है और पुट साइड में एक्टिविटी कम है। इधर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। पुट साइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है और लेकिन कॉल साइड में शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है। और लेकिन कॉल साइड का आईबी भी सॉरी कॉल साइड का प्रीमियम भी गिर चुका है आईबी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है और आईबी गिर गया है। तो ये एक बियरिश सिग्नल दे रहा है, बियरिश सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो लेकिन पुट राइटिंग का वजह से मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट रहने का प्रॉबिलिटी है। तो सेल ऑन राइज बेसिस ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बैंक निफ्टी का देखते हैं। और बैंक निफ्टी का देखते हैं, पीसीआर रेशियो 0.66 है, ठीक है। पीसीआर रेशियो जो है ये 0.66 हो गया है और 33,000 में इसका रेजिस्टेंस है और 32,000 में सपोर्ट है, 32,500 में भी इसका सपोर्ट है, ठीक है। और कॉल साइड में एक्टिविटी ज़्यादा है पुट साइड का हिसाब से, पुट भी पुट लॉन्ग हो रहा है, कॉल शॉर्टिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन कॉल शॉर्टिंग ज़्यादा है, ठीक है। और इधर से चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 32,500 का लेवल पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है पुट साइड का हिसाब से। और आईबी भी गिर चुका है और प्रीमियम भी गिर चुका है और उसी के साथ ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इधर से ये सेल ऑन डाइजेसिस मतलब एक बेयरिश सिग्नल दे रहा है। तो सेल ऑन डाइजेसिस इसका ट्रेडिंग होना मतलब स्ट्रैटेजी हो एडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद FII DII एक्टिविटी देखता हूँ, वर्ल्ड मार्केट को भी एनालिसिस करूँगा। तो इधर से देखिए FII DII दोनों में ही सेल किया है, तो मार्केट नीचे जाने का प्रॉबिलिटी बन सकता है। तो अब लोग तो ये रह सकता है कि मार्केट सोमवार को नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। FII DII दोनों में इसका सेलिंग दिखा रहा है। इसी के साथ वर्ल्ड मार्केट को भी एक बार देख लेते हैं, SGX निफ्टी को।
वर्ल्ड मार्केट में देखिए एसजेक्स निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, एसजेक्स निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। डो जोन्स देखते हैं, डो जोन्स क्या दिखा रहा है। डो जोन्स क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं। नेट का प्रॉब्लम इतना क्या। डो जोन्स में पॉजिटिव दिख रहा है, डो जोन्स 252 पॉइंट पॉजिटिव है। नैसडक देख लेते हैं, नैसडक भी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, ठीक है। और इधर से एसजेक निफ्टी से दिख दिया। डॉलर इंडेक्स को एक बार देखते हैं, डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव दिख रहा है। वर्ल्ड मार्केट को एक बार पूरा देख लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट को एक बार पूरा देख लेते हैं। अच्छा, तो इधर से देखते हैं, ये वर्ल्ड मार्केट ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। यूएसए मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन हैंगसेंग में गिरावट दिख रहा है। 338 पॉइंट का हैंगसेंग में गिरावट दिख रहा है। और इधर से कमोडिटी का क्या दिख रहा है वो भी आप लोग को देख सकते हैं। इसका ट्रेंड दिख रहा है, कमोडिटी का प्राइस गिरा है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इसका प्राइस गिरा है, एक पॉजिटिव है। तो ये वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन एशियन मार्केट, यूएसए मार्केट, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है। और कमोडिटी का प्राइस गिरा है, एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन डॉलर इंडेक्स नेगेटिव है और एफआईआई डीआईआई ने सेल किया है, ठीक है। और एसजेक्स निफ्टी भी नेगेटिव है। और इधर से चार्ट और ऑप्शन चेन बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसे सेल ऑन राइज बेसिस मार्केट में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा पोजिशनल व्यू दिखाऊंगा, बताऊँ इसके अंदर। ऑरो फार्मा, ऑरो फार्मा एक अच्छा बुलिश कैंडल बना है हाई वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो इसका लेवल्स दिखाता हूँ। इसका 882 से कोई भी लेवल से इसको बाई हो सकता है, ठीक है। 882 का नीचे बाई मत कीजिए। और जो लोग होल्ड करके रखा है वो लोग कर सकता है, मतलब 882 तक इसको एवरेज कर सकता है।
इसका आप साइड में जो लेवल दिख रहा है 972, ठीक है, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इसको इस टारगेट के लिए होल्ड कर सकता है। अदानी एंड को देख सकता है, अदानी एंड बहुत ही अच्छा चल रहा है, कहाँ से कहाँ तक एक्सेल के अंदर आ गया है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। अदानी एंड को देखते हैं, नेट का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, तो अदानी एंड का इसका जो लेवल्स है 1219 1219, इसके बाद 1250 तक इसका अदानी एंड को देख सक भी आप लोग बाई कर सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। सिप्ला भी कुछ 900 920 के आसपास तक, 900 920 के आसपास तक इसका होल्ड कर सकता है सिप्ला को, और ग्लेनमार्क का जो है ग्लेनमार्क भी 550 तक वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकता है, ठीक है। मैंने नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा नहीं दिखा पा रहा हूँ लेवल्स। अच्छा, तो कुछ ऑप्शन का लेवल्स दिखा देता हूँ, ऑप्शन का बाइंग लेवल दिखा देता हूँ। ये 33500 कॉल और 32500 फुट, 14900 कॉल, 14800 फुट, ठीक है, इसका लेवल्स दिखा देता है। ये सब मार्केट ओपन होने इसके मार्केट ओपन होने के बाद ये सब लेवल्स मिल जाएगा, तो इसमें इस लेवल पे बाई कर सकता है। अच्छा, इसका ऊपर इसके बाद मैंने इसका जो स्टॉक्स का जो स्टॉक्स का मैंने दिखाया, कुछ इंटरडे लेवल्स दिखा दूंगा, ठीक है। उसके अंदर आरो फार्मा 955, कुछ बफर रखना पड़ेगा, 955.50 के ऊपर बाई कर सकता है, या 956 के ऊपर बाई कर सकता है। ये सब अपसाइड में लेवल आएगा, आप लोग किसी भी स्टॉक्स इधर से नोट कर सकता है, सभी अपडेटेड है, ठीक है। ये सब आरो फार्मा का अपसाइड का लेवल है, और डाउन साइड में इसका सेलिंग पोजीशन हो सकता है 940 940.50 या 940 का नीचे, ठीक है, ये सब नीचे का लेवल्स आएगा, ठीक है। और करेंट मार्केट प्राइस का सामने जो लेवल रहेगा उसी में एंट्री लेना है, बीच में कुछ एंट्री नहीं लेना है। समझते जी, और फार्मा 960 चल रहा है, तो 963 के ऊपर फिर से बाई होगा, बाई कर सकता है, ठीक है, ये धरने में रखना है। और फार्मा हो गया है, सिप्ला को देखता है, सिप्ला 893 894 के ऊपर बाई हो सकता है, ये सब अपसाइड का लेवल है सिप्ला का, और डाउन साइड का लेवल जो है 880 का नीचे डाउन साइड का लेवल हो आएगा, ठीक है। अच्छा, सिप्ला और फार्मा हो गया, ग्लेनमार्क को दिखाता है, ग्लेनमार्क 536.50 या 537 के ऊपर जा सकता है, और नीचे का देख सकता है 526 का नीचे का देख सकता है, ये सब लेवल्स नीचे का लेवल्स होगा, ठीक है। और ग्लेनमार्क हो गया है, और अदानी एंड को, अच्छा अदानी एंड अपसाइड में है, अदानी एंड 1220 के ऊपर अपसाइड में इसका एंट्री ले सकता है, अदानी एंड का 1220 के ऊपर, और 1185 के नीचे सेल का एंट्री हो सकता है, सेल का लेवल्स नीचे का लेवल्स ऐसा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर को दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का लेवल्स दिखाता हूँ, ये सब अपसाइड का लेवल्स है, बाई का एंट्री ये सब लेवल्स है, अपसाइड में ये सब लेवल्स रहेगा, और डाउन साइड में ये सब लेवल्स आएगा, ठीक है। बट ये सब नीचे का लेवल्स, डाउन साइड में नीचे का लेवल्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनसाइड द बार NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न देखता है, इनसाइड द बार NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाऊंगा, जीधा जीधा 2 दिखा रहा है, वो सब स्टॉक्स को आप लोग पॉज करके नोट कर ले सकता है, ठीक है, ये सब आप लोग देख सकता है, जीधा जीधा 2 दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे को बता सकता है, और मैंने इसका आप लोग कॉमेंट लाइक ज़रूर कीजिए, तो इसमें वीडियो बनाते आप लोग देख सकता है कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, तो आप लोगों को लिए कमेंट रहेगा या लाइक रहेगा तो मेरा भी कुछ मोटिवेशन रहेगा। इधर से हाई रही हाई लो, लोअर रही लोअर लो, पॉजिटिव हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, ये सब नीचे का लेवल्स हो सकता है। मास्टर लॉन्ग, मास्टर शॉर्ट, ये सब लेवल्स नीचे का लेवल्स हो सकता है,
नीचे का लेवल्स हो सकता है लॉन्ग टेल कैंडलस्टिक पैटर्न, लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न, गेस्टर्न डोजी, बुलिस रिवर्सल, बेयरिश रिवर्सल, ये सब नीचे का ट्रेंड हो सकता है। किकर सिग्नल, डार्क कवर, बुलिस रिवर्सल, ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये सब नीचे का लेवल, ये सब पैटर्न भी आप लोग नोट कर सकता है। और ब्लैक पैटर्न, ये सब नीचे का लेवल्स हो सकता है। तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ दोस्तों, होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।